morning to all friends. We are discuss about the lesson number system. So let's start now. निम्न में से बड़ी संख्या है, हमें बड़ी संख्या बतानी है ना, और ये दिए हैं 3 की पावर 1/3, फिर दिए हैं 2 की पावर 1/2, 1 दिए हैं 6 की पावर 1/6. तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है. कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखिए सब बटे में है ना, तो हम सबका एलसीएम ले लेंगे. किसका, पावर का. तो 1/3 है, 1/3, 1/2, 1/6, और यहाँ पे पावर कितना है, पावर 1 है. तो हम सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इनटू में 6, इनटू में 6, इनटू में 6. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 6 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 2 बचा ना, और 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं ना. तो ये 9 हो जाएगी संख्या, और यहाँ पे 2 की पावर 3 बची है, तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा. और यहाँ पे 1 की पावर 6, 1 पे हम चाहे जितनी बड़ी पावर कर देंगे उसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे. और यहाँ पे 6 की पावर 1 बचा है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा. अब देखिए इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, यही 9 है ना, तो ये 3 की पावर 1/3 यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जब 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8B2 प्राप्त होता है. 8B2 संदर्भ 3 से विभाज्य है, तो A का महत्तम संभवतः मान क्या है, A का महत्तम संभवतः मान बताना है ना. देखते हैं, दिए हैं, कह रहे जब 335 को 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है, प्लस यहाँ पे करते हैं, प्लस 5A7 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 8B2 प्राप्त होता है. यहाँ पे लिखते हैं 3 5 क्या जोड़े, 5A7 जोड़े, तो परिणाम कितना, 8B2 प्राप्त होता है, 8B2. ठीक है, कह रहे हैं 3 से विभाज्य है. अब हमें 3 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे A के स्थान पे हम क्या रखें कि सबको जोड़ने पे संख्या 3 से विभाजित हो जाए. तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं, 8 है, 5 है, 1 है, 4 है, 8 5 1 4 है. तो पहले तो हम 8 रखेंगे, एक के स्थान पे 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 8 3 11, 11 1 12, 5 3 8 1 9, 922 है ना, तो 922 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 3 3 9 और 3 7 21, नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन रॉन्ग है. फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 5 रख के देखते हैं, तो यहाँ 8 के स्थान पे हम 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 12 के 2 1 हासिल, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा. अब देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है संख्या, 3 2 = 6, ये भी नहीं होंगी 3 से डिवाइड, दूसरा वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है. फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, 1 रख के, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 8. अब देखिए 852 आ गया ना, 852 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा. फिर हम 4 से देखते हैं, A के स्थान पे हम 4 रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 1 8. अब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, 3 2 = 6, 2 हासिल, 3 7 3 9 27, 3 4 12, तो ये संख्या डिवाइड हो जाएंगी 3 से, ये चौथा ऑप्शन सही है.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे कह रहे हैं 31 से उतनी ही छोटी है जितनी वह 31 से बड़ी है। जब भी उतनी छोटी उतनी बड़ी की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करते हैं ना। तो ये दिया है 31 से उतनी ही बड़ी है 75 से, 31 से बड़ी है 75 से छोटी है, तो हम प्लस करेंगे फिर आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 7 3 10 बटे में 2, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 3 6, 53 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 37 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग के 11 गुने का कुल योग 227 है। कह रहे पहले भाग का 5 गुना ना, तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन दिए हैं 15 22 दिए हैं, फिर सेकंड ऑप्शन दिए हैं 20 17 दिए हैं, थर्ड ऑप्शन है 25 और 12, फोर्थ ऑप्शन है 30 और 7 है। तो ये कह रहे हैं पहले भाग को कितना गुना, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, और ये कह रहे हैं कितना हो जाता है योगफल 227, इन दोनों को गुणा करके हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 227। अगर गुणा करने पे जो गुणा करके जोड़ने पे 227 आ जाता है तो वो ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं पहले ऑप्शन से, पहले का 5 गुना मतलब 15 5 75 और दूसरे का 11 गुना, 22 को 11 से गुणा कराएंगे ना, दूसरा यही तो है, तो 11 दूसरा 22 गुणे 11 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 22 दो 24 हो जाएगा, 5 दो 7, 7 4 11 3, 317 आ रहा ना योगफल। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। फिर सेकंड ऑप्शन से देखते हैं, तो ये पहले का 5 गुना कह रहे हैं, अगर हम 20 को 5 से गुणा करा देंगे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा, और दूसरे का 11 गुना 11 सत्ते 77, 11 इक्के 11, 11 7 18 हो जाएगा, 7 8 2 287 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं, 25 पंचे पहले भाग का 5 गुना कह रहे हैं ना, तो 25 को हम 5 से गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125, 12 का कितना 11 गुना, दूसरा भाग यही तो है, तो 12 को हम 11 से गुणा कराएंगे, 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 इक्के 11 2 13 हो जाएगा, 5 2 7 3 2 5 और ये 2, 257 आ रहा है। और हमें कितने की जरूरत है, 227 की जरूरत है ना, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड वाला भी। फिर फोर्थ ऑप्शन से देखते हैं, पहले भाग का 5 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 फिर इसका 11 गुना, 11 सते 77, 7 7 5 12 2, 227, चौथा ऑप्शन सही है।